दूध का दिल जलेगे मलैया मोटी तू खाएगे। ए गंगू भैया, ए गंगू भैया, एक लीटर दूध देना बिना पानी के। अरे भैया, अगर बिना पानी का दूध चाहिए ना तो वो मेडिकल स्टोर वामा चले जाओ, वहाँ दूध का पाउडर मिल जाए है। हमरे पास तो पानी मिला हुआ दूध है भैया। क्या जमाना आ गया, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी, दूध में पानी मिला मिला के बेचता है और ऊपर से सीना ठोक के कहता भी है। अरे बस्ती वालों, ये देखो, एक फटका में साला भैंसन के खूंटा के माफिक धरती में घुस गया। ये तो अच्छा हुआ कि हम बहुत कस के नहीं मारा, नहीं तो इंडिया में घुसता और ऑस्ट्रेलिया के बाहर निकलता। लेकिन भैया जी, तुमने मुझे मारा क्यों? मारा क्यों? ये समझाने के लिए कि भगवान के बनाए हुए संसार में मिलावट हो सकत है, दो ही प्रेमियों के प्यार में मिलावट हो सकत है, इस देश की सरकार में मिलावट हो सकत है, अबे तोरे खून में मिलावट हो सकत है, मगर जौनपुरी भैया के दूध में मिलावट हो ये ना ही हो सकत है। तू साला बोला कैसे कि हम दूध में पानी मिला के बेचते हैं बे? हम कहा बोला, आपका आदमी बोला। अरे वो तो कुछ भी बोल सकता है, उसको बोलने का लाइसेंस है, मगर भुसावल के सड़े हुए केले के छिलके तू कैसे बोला? और तू जरा लेवल में आके बात कर तो तेरी तो। और तुम लोग कहा ही है, है? शनिवार है, जा अपने घर पे। अरे तो भैंसन अपना पेट भरने के लिए घास फूस खाते है कि नहीं? खाती है। उसके बाद पानी पिए थे कि नहीं? पीती है। वो पानी उसके पेट में जाके दूध में मिलत है कि नहीं? मिलता है। तो दूध जो बाहर आता है उसमें पानी होगा कि नहीं? होगा। तो गंगा ठीक बोलता है ना कि दूध में पानी होता है? बिल्कुल ठीक बोला, गलती मेरे समझने में हुई है। तो बेटवा जरा बराबर समझा करो, क्या हुआ कि घुसा मारा तो शुक्र करो ये जमीन नरम थी, घुस गए अंदर, कड़क होती तो भड़ से छोटे हो जाते हैं। दूध दे दो। हाँ ले लो। सुनो, पैसा नहीं लेना। का है? अरे मारा तो जमीन में घुस गया यार। कितना? एक लीटर बगैर पानी के। का हेलो हेलो गंगवा, जरा भैया को फोन देना, मैं नेटवर्क बोल रहा हूँ, इमरजेंसी है। अरे गंगवा नहीं, हम भैया जी खुद बोल रहा हूँ। गांव का क्या हाल है और भोला कैसा है? भोला? कौन सा गोला? मेरे पेट में कोई गोला नहीं है। अरे गोला नहीं, भोला। भोला कैसा है? छोला? अरे ये कोई छोला खाने का टाइम है भैया जी, क्या हो गया आपको? अरे भाभी भी कमाल करती है, जो सागर को गागर और आलू को भालू सुनता है, ऐसे बहरे को फोन करने भेज दिया है। भेज दिया? कहीं दुकान वकान तो नहीं भेज दिया भैया ने? लाओ मुझे फोन दो। हेलो, मैं पारो बोल रही हूँ। हाँ बेटा। हम लोग भोला को न्यू इरा हॉस्पिटल में लेकर आए हैं, आप यहाँ जल्दी आ जाओ। हाँ? तुम लोग गाँव से शहर आकर हमको खबर तक नहीं किया? अरे अच्छा चिंता नहीं करो, हम अभी आ रहा हूँ। अरे ठीक समझा दिया ना भैया जी, जरा कम सुनते हैं। मैं बह रहा हूं, चलो। पाई लगी भाभी। अरे कहाँ है, ना कोई चिट्ठी ना कोई तार, अचानक भोला की तबीयत इतनी खराब थी तो हमको खबर तो किया होता। दरअसल उसकी हालत ऐसी खराब हो गई थी भैया कि हम सब घबरा गए थे कि पता नहीं क्या होगा, इसलिए हम लोग सीधा यहाँ चले आए। मगर ये सब हुआ कैसे? पता नहीं, गांव वाले भोला को जख्मी हालत में उठा कर लाए थे, किसी ने उसे बहुत बुरी तरह मारकर लहूलुहान कर दिया था। हे भगवान, मेरे भोला को। अरे नहीं भाभी, चिंता नहीं करो, तेरा भाई काय के लिए, हम भोला के इलाज में कोनो कमी आने नहीं देंगे। हाँ डॉक्टर साहब आ गए। डॉक्टर साहब, मेरा भोला ठीक हो जाएगा ना? मैंने चेकअप तो कर लिया है, लेकिन फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता, उसका दोबारा चेकअप करना पड़ेगा, जिसके लिए स्पेशलिस्ट को बुलाना पड़ेगा और इलाज के लिए काफी खर्चा आएगा। अरे आप खर्चे की चिंता नहीं करो, आप भोला का केवल इलाज करो, जितना भी खर्चा आएगा हम बर्दाश्त करेंगे। ठीक है सर, मेरे ख्याल से इस फाइल को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि भीष्मा की गाड़ी का इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ है कि उसके बचने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता सर। हो सकता है कि हादसे में भीष्मा की मौत हो गई। यस आई एम डेफिनेट सर, लेकिन फिर भी ये फाइल अभी बंद नहीं की जा सकती, क्योंकि मौका वारदात पर भीष्मा की लाश नहीं मिली। ऐसी सूरत में मरने के बाद भी आदमी पुलिस रिकॉर्ड में कम से कम 3 साल तक जिंदा रहता है,
Am I right, uncle? Absolutely right. और 3 साल पूरे होने में अभी पूरे 3 महीने बाकी हैं। By the way, inspector, she's Miss भारती, भारती वर्मा, हमारे शहर की जानी मानी पत्रकार। हेलो मैम। हाय। भला आपको कौन नहीं जानता, गुंडे बदमाश पुलिस और कानून से ज्यादा आपकी कलम से डरते हैं सर। सिर्फ गुंडे बदमाश ही नहीं, कुछ पुलिस वाले भी मेरे नाम से घबराते हैं। By the way, करप्शन तो आज हर डिपार्टमेंट में है, और मैं ये भी मानता हूँ कि हमारी पुलिस फोर्स में कुछ भ्रष्ट लोग मौजूद हैं, और वो शायद तुमसे इसलिए घबराते होंगे कि तुम उनका पोल न खोल दो। अच्छा सर, मैं अब चलता हूँ। जगावर साहब, बात तो रिश्वतखोर और बेईमान पुलिस वालों की चल रही थी, आप कहाँ चल दिए? नहीं सर, वो राउंड अप, आई हैव टू गो। ओके ओके सर। ओके भारती जी, बैठो भारती। हाँ सुनाओ, तुम्हारा अखबार कैसा चल रहा है? ये तो एक चमत्कार है अंकल, जो अब तक हमारा अखबार चल रहा है। अदरवाइज ये बड़े बड़े नेता और अंडरवर्ल्ड के लोग तो इसे बंद करवाने के चक्कर में लगे हुए हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये जो तुम उन लोगों के खिलाफ लिखती रहती हो, तुम्हें डर नहीं लगता? मैंने जर्नलिज्म को कभी अपना पेशा नहीं समझा। मेरी नजर में एक सच्चा पत्रकार अपने मुल्क और समाज का सिपाही होता है, इसलिए ये उसका फर्ज बनता है कि वो अपनी कलम की ताकत से अपने देश और जनता की रक्षा करे। तुमसे बातें करते करते तुम्हारे पिता सत्य प्रकाश की याद आ गई, वही तेवर, वही अंदाज, उन्हें भी अपनी जिंदगी से ज्यादा अपने आदर्शों और अपने असूलों से ज्यादा प्यार था, इसीलिए वो भ्रष्टाचार से लड़ते लड़ते शहीद हो गए। अरे हाँ, तुम तो कोई गुड न्यूज देने वाली थी। अरे हाँ, बातों बातों में मैं आपको असली बात तो बताना भूल ही गई। कल अभिमन्यु का फोन आया था, उसकी पुलिस की ट्रेनिंग पूरी हो गई है, वो वापिस आ रहा है अंकल। ये तो बहुत खुशी की बात है, और ये कामयाबी सिर्फ अभिमन्यु की नहीं, तुम्हारी भी है। दीदी से मिलवाओगी ना? प्रिया, मैंने तुम्हारे बारे में दीदी को सब कुछ बता दिया, वो तुमसे मिलके बहुत खुश होंगे। मेरे भी पापा तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगे। ये तो तुम्हारा ख्याल है, ये भी तो हो सकता है पापा तुम्हारी पसंद को ना पसंद भी कर सकते हैं। ये नहीं हो सकता, क्योंकि पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और आज तक उन्होंने कभी किसी चीज के लिए मुझे निराश नहीं किया। He is really great. Very good. अच्छा, पापा के अलावा घर में और कौन कौन रहते हैं? चाचा जी हैं और मेरे बड़े भैया, वो दोनों भी इतने अच्छे हैं कि जब तुम उनसे मिलोगे तो मेरा दावा है कि तुम उनके फैन हो जाओगे। चेहरे पर नकली दाढ़ी मूछ लगाकर तू दुनिया को धोखा दे सकता है, मुझे नहीं। 5 करोड़ का माल अंदर करके हांगकांग में सेटल हो गया, और तूने ये सोच लिया कि हम तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्यों? नागेश्वरना, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपनी प्रॉपर्टी बेचकर आपको सारा पैसा दे दूंगा, सारा पैसा दे दूंगा। हांगकांग की तो तेरी सारी प्रॉपर्टी को वहां की गवर्नमेंट सील कर चुकी है, और हमें यह भी पता है कि तू वांटेड है, और वहां की पुलिस तुझे कुत्ते की तरह ढूंढ रही है, तो फिर ये 5 करोड़ रुपया तू कैसे वापस करेगा? है? हराम की दौलत, बाजार की औरत और मुफ्त की शराब हर आदमी को रास नहीं आती। हमारा धंधा बेईमानी का है जरूर, मगर भरोसे पे चलता है। तूने तो हमारे भरोसे का एक खून कर दिया, अब तो खुद बताएगा तुझे क्या इनाम दिया जाए।
राणा साहब एक बार माफ कर दीजिए, एक बार माफ कर दीजिए प्लीज। मैं जिंदगी भर आपकी गुलामी करूंगा, जिंदगी भर आपकी गुलामी करूंगा मैं आपकी। मैं शेर पालने का आदि हूं, कुत्ते पालने का शौक नहीं है मुझे। दीदी दीदी अभिमन्यु दीदी ओ अभिमन्यु यहाँ बैठ। आज मैं बहुत खुश हूँ अभिमन्यु। पिताजी की यही तो आखिरी तमन्ना थी कि तू जिंदगी में कुछ बन जाए। दीदी ये सब तुम्हारी मेहनत और कोशिशों का फल है। अच्छा ये सारा क्रेडिट तू मुझे क्यों दे रहा है? एक बड़ी बहन होने के नाते मेरा जो फर्ज था मैंने पूरा किया, लेकिन जिंदगी के मैदान में तूने जो सफलता हासिल की है उसमें तुम्हारी मेहनत और लगन शामिल है। दीदी क्या मैं नहीं जानता मेरे जीवन में उजाला करने के लिए तुमने अपने सारे अरमान और खुशियों की बलि चढ़ा दी। मेरी जिंदगी को संवारने के लिए तुमने आज तक अपना घर भी नहीं बसाया। ये बड़ी बड़ी बातें कब से करने लगा तू? इतना चेंज कहां से आ गया तेरे अंदर? वो क्या है ना दीदी, अब मैं छोटा सा अभिमन्यु नहीं रहा, बड़ा हो गया हूँ, समझदार भी हो गया हूँ और जिम्मेदार भी हो गया हूँ। अच्छा मिस्टर जिम्मेदार जी, आप इतनी दूर से सफर करके आए हैं, कुछ भूख भूख तो लगी होगी आपको? अरे दीदी मुझे तो बड़ी भूख लगी है, चलो ना। अच्छा चलो फिर पहले कुछ खाते हैं, फिर आराम से बैठकर बातें करेंगे। ठीक है ओके चलो। सब इंस्पेक्टर अभिमन्यु वर्मा रिपोर्टिंग सर। बीएडीज हैव ए सीट। थैंक यू। मुझे विश्वास है तुम अपनी ड्यूटी पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाओगे। यस सर। मैं तुम्हें एक ऐसा केस दे रहा हूं जो तुम्हारे कैरियर की शुरुआत के लिए चैलेंज साबित होगा। ये फाइल तुम ध्यान से पढ़ लेना क्योंकि ये फाइल 3 महीने के बाद बंद हो जाएगी, और अगर ये केस तुम सॉल्व कर पाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट। भोला ले दूध पी ले। मैं दूध बूध नहीं पीऊंगा, काकी मुझे छोड़कर क्यों चली गई, मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मुझे काकी के पास ले चल। अच्छा पहले दूध पी ले फिर चाची के पास ले जाऊंगी। ठीक है लेकिन तू मुझे छोड़कर मत जाना। अच्छा बाबा नहीं जाऊंगी, दूध पी ले। ये तो भीष्मा है। हाय प्रिया। What a surprise! तुमने कभी बताया नहीं कि तुम पुलिस ऑफिसर हो? जब तुमसे मिला तब मेरी ट्रेनिंग चल रही थी। As a police officer, आज मैं अपॉइंट हुआ हूँ। That means आज तुम्हारे ड्यूटी का पहला दिन है। Yeah. Congratulations. Thank you. Oh by the way, meet my uncle, my brother, Hello. And my papa. और पापा ये वही अभिमन्यु है जिसके बारे में मैंने आपको बताया। Hello. तुमसे मिलकर बड़ी खुशी हुई बेटे। प्रिया तुम्हारी बहुत तारीफ कर रही थी। एक मिनट के लिए मैं भी डर गया कि हमारे घर में पुलिस क्यों आई। पुलिस से तो चोर बदमाश स्मगलर लोग डरते हैं अंकल, आप जैसे शरीफ और इज्जतदार इंसान को किस बात का डर? यही तो मुश्किल है, आजकल पुलिस की इमेज इतनी ज्यादा खराब हो गई है कि कानून किस वर्दी को गुंडागर्दी का लाइसेंस समझते हैं। आपके डिपार्टमेंट में बुरे लोग ज्यादा अच्छे लोग कम हैं। इसीलिए तो हम जैसे शरीफ लोग गुंडों से उतना नहीं डरते जितना पुलिस वालों से डरते। मुझ जैसे पुलिस ऑफिसर से आप लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि मैं सत्य प्रकाश वर्मा जैसे सिद्धांतवादी पत्रकार का बेटा हूं और भारती वर्मा का भाई हूं। तुम्हारे परिवार के बारे में सुनकर बड़ी खुशी हुई। प्रिया अभिमन्यु पहली बार अपने घर आया है, जाओ से अपना घर दिखाओ, कुछ खातिरदारी करो। ओके पापा आओ। राणा साहब भीष्मा जिंदा है। क्या भीष्मा जिंदा है? ये कैसे हो सकता है, इम्पॉसिबल। न्यू इरा हॉस्पिटल के वार्ड नंबर 13 में आप जाके देख सकते हैं। ये भी तो हो सकता है कि भीष्मा का हमशक्ल हो।
उसकी असलियत जानने में वक्त बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं। वो जो भी हो उसे अस्पताल से सीधा शमशान पहुंचा दो। भोला आप कुछ याद करने की कोशिश करो, आपके साथ एक बहुत बड़ी घटना हो गई थी जिसमें आपकी जान भी जा सकती थी। आप अपने दिमाग पर जोर डालकर याद करने की कोशिश कीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप किसी बस या कार में जा रहे थे और आपका रास्ते में एक्सीडेंट हो गया हो। क्या तुम्हारे किसी दुश्मन ने तुम्हें जान से मारने की कोशिश की थी? कौन हो तुम लोग, अंदर कैसे घुस आए हो? अरे अरे प्रभात, नर्स जल्दी करो, इन्हें ऑपरेशन थिएटर में ले चलो। यस सर। आइए इंस्पेक्टर साहब, मैंने ही आपको फोन किया था। कुछ गुंडे से जान से मारना चाहते थे मगर पुलिस सायरन की आवाज सुनकर भाग गए। कौन है ये? ये बेचारा तो धर्मपुर गांव से यहाँ इलाज के लिए लाया गया है। गांव से इलाज के लिए यहाँ लाया गया? यहाँ पे उसका दुश्मन कौन आ सकता है? एनीवे डॉक्टर, जैसे ही मरीज को होश आ जाए आप मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए और इसकी हिफाजत के लिए मैं दोनों कॉन्स्टेबल्स को यहाँ ड्यूटी पे रख के जाता हूँ। ओके, थैंक यू इंस्पेक्टर। या डॉक्टर साहब, भोला की तबीयत कैसी है? भोला ठीक है, आप जाकर मिल सकते हैं। अच्छा। क्या बात है, तुम ठीक तो हो ना? भोला मैं भोला नहीं हूं।